हेलो बच्चों, मैं जयन अत्राही, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 11 के एनसीईआरटी के तहत विषय जीव विज्ञान पाठ पांचवा है, पुष्पी पादपों की आकार की। इसके अंतर्गत एक टॉपिक पढ़ेंगे, पत्ती, जिसको हम बोलते हैं लीफ। हम जानते हैं कि तनों एवं शाखाओं पे पर्व संध्या पाई जाती हैं। उन्हीं पर्व संधियों से पार्श्व उपांग के रूप में आपकी पत्ती निकली होती है, लैटरल उपांग के रूप में पत्ती निकली होती है। जैसे यहां देखें, यहां पे जहां से निकला हो, ये मान लीजिए जहां से पत्ती जुड़ी हुई उस भाग का नोड, ये भाग का नोड है, वहीं से ये उपांग के रूप में क्या होती है, बाहर निकली होती है। आइए सामान्य लक्षण जान लें। पहला लक्षण यही है कि यह पार्श्व उपांग है और पर्व संधियों से इसकी उत्पत्ति होती है। पक्ति के कक्ष में एक कलिका होती है, जिसको बोलते हैं कक्षीय कलिका, एक्सिलरी बड पाई जाती है। पत्तियों को जो निर्माण है प्ररोह के शीर्षस्थ विभज्योतक से होता है, जिसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम से ही पत्तियों का निर्माण होता है। पत्ती की जो उत्पत्ति होती है बहिर्जात होती है, अर्थात एग्जोजीनस रूप होती है। पत्तियां तने पर अग्राभिसारी रूप से, एक्रोपीटल रूप से क्या होती हैं, व्यवस्थित होती हैं। इसका मतलब यह है कि नीचे की पत्तियां पुरानी होती हैं और बड़े आकार की होती हैं, जबकि ऊपर की पत्तियां नई होती है, छोटे आकार की होती। पत्ती का जो मुख्य कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाना। इसके अलावा पत्तियां कुछ विशेष कार्यों के लिए भी क्या होती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं। अब देखते हैं पत्ती के भाग। पत्ती के लगभग तीन भाग होते हैं, मुख्य तीन भाग होते हैं। पहला भाग है पाणाधार, जिसे लीफ बेस बोलते हैं। दूसरा भाग है पर्णवृंत, जिसे हम पेटियोल बोलते हैं। तीसरा भाग है पर्ण फलक, जिसे हम बोलते हैं लेमाइना बोलते हैं। आइए देखते हैं। ये मान लीजिए हमने पत्ती लिया है और ये जो हम थामे हैं, ये तने का भाग है या ब्रांचेज है। ये जो पत्ती है, ये जो चौड़ा हरा वाला भाग है, इसी को हम बोलते हैं लेमाइना या पर्ण फलक। और ये जो बीच में ये जो लंबा भाग है, इस भाग को हम बोलते हैं क्या, पर्णवृंत। और जहां से यह पर्णवृंत, जहां से इस तने से शाखा से जुड़ा हुआ, उस स्थान को हम बोलते हैं क्या, लीफ बेस, पाणाधार कहते हैं। आइए देखते हैं। पहला, पाणाधार को हम लीफ बेस बोलते हैं, इसको हाइपोपोडियम भी कहा जाता है। यह पत्ती का आधारी भाग होता है, जिसके द्वारा पत्ती क्या होती है, तने से जुड़ी होती है। इसी आधार के वजह से पत्ती क्या होती है, तने में जुड़ी होती है। पत्तियों के आधार पे दो पार्श्व छोटी पत्तियां पाई जाती हैं। यह किसकी व्यवस्था हो सकती है, डाइकॉट में ऐसी व्यवस्था हो सकती है। उस दो पार्श्व छोटी पत्तियों को हम बोलते हैं अनुपौन, स्टिप्यूल बोलते हैं। अनुपण का मुख्य कार्य क्या है, तरुण पत्तियों एवं कक्षी कलिकाओं की सुरक्षा करना होता है। इसी अनुपण की कार्य क्या है, तरुण पत्तियां जो नई पत्तियां होती हैं और जो कक्षी कलिकाएं होती हैं, उनकी सुरक्षा करना होता है। आइए कुछ विशेष बातें देख लें। और पौधों में एक बीजपत्री पौधों में जो पर्णाधार है, वो चादर के रूप में या आंशिक रूप से क्या होती हैं, तने को ढके रहती हैं। ऐसी व्यवस्था गन्ना, मक्का, केला, घास में पाई जाती है। यहां हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये मान लीजिए घास है, ये मान लीजिए कोई पत्ती पा रहे हैं, ये मान लीजिए कोई पत्ती हम थामे हुए हैं, ये जो थामे हुए भाग है, ये भाग क्या है, लेमाइना है। ये देखिए पाणाधार क्यों चादर के रूप में पाया, तो देखिए हम इसको निकाल रहे हैं ऐसे ऐसे, ये शीत के रूप में ये व्यवस्थित होते हैं। यहां पे देखिए दूसरा हम निकालने की कोशिश करेंगे। ये देखिए आपका ऐसे शीत के रूप में होते हैं पाणाधार, क्या होते हैं,
तने से चिपके होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके आता है। अब देखते हैं कुछ लेग्यूमे अन्य कुछ प्लांटों में क्या होता है, पाणाधार क्या होते हैं, फूल जाते हैं। ऐसे पाणाधार को हम पर्णवीत तल्य कहते हैं, पल्विनस कहते हैं। ऐसी जो व्यवस्था है वो आम पीपल मटर चना गुलमोहर में देखी जा सकती है। अब देखते हैं पर्णवृंद, पर्णवृंद को पेटियोल बोलते हैं, मेजोपोडियम बोलते हैं। पत्ती के पाणाधार के ऊपर बेलनाकार भाग पाया जाता है, उसी को पर्णवृंद कहते हैं। ये देखिए ये पाणाधार हो गया, ये ऊपर बेलनाकार है, गोलाकार जो संरचना है इस संरचना को ही हम बोलते हैं क्या, पेटियोल बोलते हैं। पर्णवृंद का मुख्य कार्य क्या है, पर्ण फलक को हिलाना होता है और उस पर्णवृंद पत्ती को इस प्रकार सजाए रहती है कि उसको अधिक से अधिक प्रकाश मिल सके। यहाँ पे है सपक्ष पर्णवृंद, पेटियोल क्या होते हैं, पंख की तरह क्या होती है, उनमें व्यवस्था हो जाती है, पत्ती जैसी हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, सपक्ष पर्णवृंद। ऐसी व्यवस्था नींबू और संतरा में पाई जाती है। दूसरा है पर्णाभ वृंद फाइलॉयड, ऑस्ट्रेलियन बबूल में जब पर्ण फलक क्या होते हैं शीघ्र गिर जाते हैं तो उनके स्थान पे पर्णवृंद पत्ती की तरह हो जाती है और भोजन का निर्माण करने लगती है, तो उसे हम बोलते हैं पर्णाभ वृंद। पत्ती क्या हो गया है, में बदलाव आ गया है, कौन सा भाग में, पेटियोल में। अब तीसरा है प्रतानी पर्णवृंद टेंड्रिलर पेटियोल, इसमें क्या होता है, पर्णवृंद जो होता है वो प्रतान के रूप में परिवर्तित हो जाता है जो पौधे को ऊपर चढ़ने में मदद करती है। ऐसी जो व्यवस्था है घनपर्णी पौधा में पाया जाता है और क्लीमेटिस में पाया जाता है। अगला है प्लावन पर्णवृंद फ्लोटिंग पेटियोल, इस प्रकार का पेटियोल जली पौधों में पाया जाता है। इनके पर्णवृंद में क्या है, वायु ऊतक एरेनकाइमा भरा होता है जिससे ये हल्के हो जाते हैं और आसानी से पानी में तैरते रहते हैं। ऐसी व्यवस्था सिंघाड़ा में पाई जाती है और जलकुंभी में पाई जाती है। अब तीसरा जो पत्ती का भाग है चौड़ा जो भाग है उसको हम बोलते हैं क्या, पर्ण फलक या स्तरिका। पर्ण फलक जो होता है चपटा भाग होता है, चौड़ा भाग होता है, इसके मध्य में एकदम बीचों बीच क्या होता है आपका, मध्य सिरा पाया जाता है, मिडरिप बोलते हैं, और इनके किनारे किनारे पे जाल पाया जाता है, उसे सिरकाएं बोलते हैं। ये पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती हैं, साथ ही साथ ये जो मध्य सिरा है या ये आपका सिरकाएं हैं वो जल खनिज एवं भोजन के स्थानांतरण करने में मदद करते हैं, मतलब भोजन का जल का संवहन करने में मदद करते हैं। पर्ण फलक जो होता है द्विबीजपत्री में, एक ऊपर वाला पृष्ठ तल कहलाता है, नीचे वाला जो है आधार तल कहलाता है। पृष्ठ तल को हम बोलते हैं ऊपरी सतह डॉर्सल सरफेस और अधर तल को निचली या वेंट्रल सरफेस बोलते हैं। जब वह पत्ती जिसके अंतर्गत पृष्ठ तल पाया जाता है अधर तल पाया जाता है ऐसी व्यवस्था को हम बोलते हैं पृष्ठाधारी पत्ती। ऐसी व्यवस्था आपके द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, डाइकॉट पौधों में पाई जाती है। जब पृष्ठ तल अधर तल एक समान होते हैं तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है, समद्विपार्श्विक आइसो बायलेटरल कहलाता है। ये डॉर्सो डॉर्सी वेंट्रल, जबकि यह कहलाता है क्या, आइसो बायलेटरल। इस तरह की व्यवस्था आपके मोनोकाट में पाई जाती है। इनमें मोनोकाट है, ये घास का है, इसमें ऊपरी भाग और निचली भाग आसानी से पता नहीं चलता है, एक समान होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं समद्विपार्श्विक। इस तरह हमने क्या देखा, पत्ती की संरचना के बारे में देखा। अब हम देखते हैं सिरा विन्यास क्या होता है।
पर्ण फलक में शिरा और शिरकाओं की व्यवस्था। शिरा को हम वेन बोलते हैं, मिडरिप, और शिरकाओं को वेनलेट्स। तो पर्ण फलक आपका ये हो गया लेमाइना। इस पर्ण फलक में मध्य शिरा है, ये शिरकाओं है, इनकी व्यवस्था को ही हम बोलते हैं क्या, शिरा विन्यास। दो तरह का शिरा विन्यास होता है, जालिका व शिरा विन्यास, जिसको हम रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं, जबकि समानांतर शिरा विन्यास, इसको पैरेलल वेनेशन कहते हैं। पहला देखते हैं जालिकावत में, जब शिराकाएं पर्ण फलक में जाल सा बनाती हैं तो ऐसी व्यवस्था जालिकावत शिरा विन्यास कहलाती है। इसमें देखें पत्ती में, या और दूसरी कोई पत्ती लेते हैं, इस पत्ती में दिखाई नहीं दे रहा है, इस पत्ती में देखें, ये आपका क्या मिडरिब है, ये आपके क्या हैं, शिरकाएं। यहाँ पे शिरकाओं का जाल पाया जाता है, यहाँ भी पाया जाता है, जितने भी डाइकॉट पत्तियां हैं सब में क्या होता है, शिरकाओं का ये जाल पाया जाता है, ये डाइकॉट व्यवस्था होती है। इस तरह की विन्यास द्विबीजपत्री पादप जैसे आम, पीपल, अमरूद इत्यादि में पाया जाता है। ये हमारे पास है, एक पीपल का है, इसमें भी पाया जाता है व्यवस्था जालिका व शिरा विन्यास। ये अमरूद है, अमरूद में भी क्या होता है, जालिका व शिरा विन्यास पाया जाता। अब आता है समानांतर शिरा विन्यास। जब पर्ण फलक में शिरकाएं क्या होती, समांतर होती हैं, तो ऐसी व्यवस्था कहलाती समानांतर शिरा विन्यास। यह किसमें पाया जाता है, एक बीज पत्री पौधों में पाया जाता है, गेहूं, धान, गन्ना, इसका एग्जाम्पल है। यहाँ हमारे पास एक एक बीज पत्री दूब घास है, इसमें एक बीच में मिडरिब होता है, और सामने क्या होते हैं, बगल बगल आपके समांतर में क्या होते हैं, अन्य शिराकाएं होती। अब आता है पत्ती के प्रकार, टाइप्स ऑफ लीफ। पहला जो पत्ती होता है सरल पत्ती होता है, जिसको हम बोलते हैं सिंपल लीफ बोलते हैं। इसमें जो पर्ण फलक है लेमाइना प्रायः पूर्ण या अच्छिन्न होती हैं, अथवा कटी हुई लेकिन कटाव मध्य शिरा तक नहीं पहुंच पाता, तो ऐसी पत्ती को सरल पत्ती कहते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें जो पर्ण फलक है कटी उटी नहीं, पूरी तरह से बंधी हुई है, जबकि इस पत्ती में देखिए थोड़ा पर्ण फलक कटा हुआ है, लेकिन जो कटाव है यहां आकर धसा नहीं है, ये मिडरी में है, मुख्य शिरा में धसा नहीं है। जैसे यहां देखिए, यहाँ पे ये कटाव है, लेकिन कटाव आकर यहाँ धसा नहीं है, ये पत्ती को बांटता नहीं, ऐसी व्यवस्था इसमें देख सकते हैं आप। और ये आपका है, इसमें पूर्ण फलक होता है, इसमें कोई भी कटाव नहीं पाया जाता। ये दोनों जो पत्तियां हैं वो सरल पत्तियां कहलाती हैं। सरल पत्ती भी दो तरह की हो सकती हैं, क्या है, पक्षवत, जिसे पिच्छाकार सरल पत्ती, पिनेट, सिंपल लीफ। इसमें जो पर्ण फलक का कटाव का झुकाव है वो मध्य शिरा की ओर होता है। ये मान लीजिए मूली की पत्ती है, इसमें भी कटाव हल्का है, लेकिन पूरी तरह नहीं, बल्कि कटाव किधर है, मध्य शिरा की ओर होता है। जैसे मूली में दूसरा का है हस्ताकार सरल पत्ती, पॉमलेट, सिंपल लीफ। जब पर्ण फलक का कटाव क्या हो, का झुकाव पर्ण वृंत की ओर होता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, हस्ताकार सरल पत्ती, जैसे कि रेण में पाई जाती है। हाँ, अब देखते हैं हम दूसरा है संयुक्त पत्ती, जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ। जब पर्ण फलक का कटाव मध्य शिरा तक पहुंचे या पर्ण वृंत तक पहुंचे, जिसके वजह से पर्ण फलक कई पत्र को पर्णक, जिसे हम बोलते हैं लीफलेट, में बढ़ जाए, तो इस तरह की पत्ती को बोलते हैं संयुक्त पत्ती। पर्णक या पत्रक जिस वृंत पर लगे होते हैं उसे हम बोलते हैं रैकिस बोलते हैं। हाँ, ये देखिए, ये नीम का पत्ता है, एक पत्ता है, ये मोटा सा क्या है,
ब्रिंथ जिसे हम ब्रैकिस बोलते हैं, इसी रैकिस पे क्या होते हैं, ये छोटे छोटे पर्ण क्या होते हैं आपके, लगे होते हैं। इसे पत्रक बोलते हैं या लीफलेट कहते हैं। सरल पत्ती एवं सहित पत्ती के पर्ण ब्रिंथ के कक्ष में कली होती है। पेटियोल जो होता है सरल का चाहे संयुक्त का, उसमें कली होती है, जबकि पर्णक के कक्ष में कोई कली नहीं होती है। ये क्लियर हुआ? जैसे ये मान लीजिए पत्ती है, ये सरल है, यहां पे भी क्या होगी आपके, कली पाई जाएगी, लेकिन इनके जो पर्णक हैं पत्रक है, इनके बेस पे कली नहीं पाई जाएगी। ठीक है, इनके बेस पे कली नहीं पाई जाती है। अब दूसरा है पिच्छाकार संयुक्त पत्ती, क्या है, पिनेट कंपाउंड लीफ। इसमें बहुत से पर्णक पत्रक जिसे बोलते हैं लीफलेट एक ही अक्ष रैकिस से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जैसे नीम में जुड़े होते हैं। जो पिच्छाकार संयुक्त पत्ती है वो कई भागों में बटी होती, कई प्रकार है। उसका एक क्या है, एक पक्षवत जिसे बोलते यूनि पिनेट, जैसे नीम में पाया जाता है और गुलाब में पाया जाता है। ये गुलाब हो गया, एक ही रैकी से किनारे किनारे आपके लीफलेट्स लगे होते हैं, ये भी है, लीफलेट लगे होते हैं, ऐसी व्यवस्था नीम में पाई जाती है और गुलाब में। दूसरा है द्विपक्षवत बाइपिनेट, ये बाइपिनेट है, ये एक मेन शाखा गई है, फिर वहां से एक शाखा फूटी, उसके ऊपर ये लीफलेट लगे होते हैं, इसे बोलते बाइपिनेट बोलते हैं, ऐसा व्यवस्था बबुल में पाया जाता है। तीसरा है त्रिपक्षवत ट्राइपिनेट, ऐसी व्यवस्था सहजन में पाई जाती है, ये मेन एक है ये व्यवस्था, दूसरी व्यवस्था ये है, तीसरा है, इस तीसरे वाले पे क्या है, पत्ती लगी होती, इसे बोलते हैं ट्राइपिनेट बोलते हैं। और आखिरी है बहुपक्षवत डी कंपाउंड बोलते हैं, ऐसी व्यवस्था गाजर में पाई जाती है और धनिया में पाई जाती। अब हम देखते हैं हस्ताकार संयुक्त पत्ती पॉलीमेटली कंपाउंड लीफ। इसमें जो पर्णक होते हैं जिसे लीफलेट बोलते हैं, वो एक ही बिंदु से अर्थात पर्ण वृंत की चोटी से जुड़े होते हैं। ये एक पर्णी हो सकते हैं यूनिफोलिएट नींबू में, द्विपर्णी बाइफोलिएट कचनार में, त्रिपर्णी ट्राइफोलिएट बेल में, ऑक्जेलिस में, चतुष्पर्णी क्वाड्रिफोलिएट मार्सिलिया में, बहुपर्णी मल्टीफोलिएट क्लियोम में पाए जाते। अब देखते हैं पर्ण विन्यास फाइलोटेक्सिस, तनों और शाखाओं के ऊपर पत्तियों की जो व्यवस्था होने की क्रम है, व्यवस्थित होने क्रम है, उसी को हम बोलते हैं पर्ण विन्यास। अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और ब्रांचेस नोन एज फाइलोटेक्सिस बोलते हैं। पर्ण विन्यास का क्या फायदा है, तने और शाखाओं पे पत्तियों को इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि सभी पत्तियों को पर्याप्त धूप हवा मिल सके। ये तीन तरह के होते हैं, एकांतर अल्टरनेट होते हैं, सम्मुख होते हैं और चक्राधार होते हैं। हम पहले देखते हैं एकांतर अल्टरनेट में क्या होता है, इसमें एक अकेली पत्ती प्रत्येक गांठ पर एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहती है, जैसे गुड़हल में, सरसों में, सूर्यमुखी में। यहां देखिए ये पर्ण संधि है, नोड जिसे बोलते हैं, प्रत्येक नोड से एक इधर निकला हुआ पत्ती, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये अल्टरनेट मैनर में है।
दूसरा है सम्मुख, प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी पत्ती निकलती है, जैसे अमरूद में और मदार में। यहां देखिए आपका है, यहाँ पे सामने सामने है, यहाँ पे कुछ तिरछे हैं, लेकिन दोनों पत्तियां एक दूसरे के सामने हैं। ये अमरूद की व्यवस्था हो गई और मदार की व्यवस्था हो गई। ये देखिए अमरूद है, अमरूद में देखिए आमने सामने यहाँ पे पत्तियां आपकी निकली हुई है, यहां भी देखिए। चक्करदार में वर्ल जिसे बोलते हैं, इसमें अब देखते हैं तीसरा, चक्करदार वर्ल, यहाँ एक ही गांठ पर दो से अधिक पत्तियां निकलकर चारों ओर से चक्कर बनाती हैं। ऐसी व्यवस्था कनेर में या ट्रेवल ट्री एल्स्टोनिया में पाया जाता है। देखिए ये गांठ है, यहां से चारों ओर से पत्तियां व्यवस्थित होती। अब देखते हैं पत्तियों के रूपांतरण। हम जानते हैं कि पत्तियों का जो मुख्य कार्य है भोजन बनाना है, भोजन बनाने के अतिरिक्त यदि अन्य कार्यों के लिए रूपांतरित हो जाते हैं तो उसे ही पत्ती का रूपांतरण कहते हैं। पहला रूपांतरण है प्रतान के रूप में, टेंड्रिल्स के रूप में। इस रूप का क्या फायदा हुआ? यह आरोहण में मदद करता, अर्थात पौधे को ऊपर चढ़ने में मदद करता है। प्रतान कई प्रकार के हैं। मटर है, इसे हम बोलते हैं पाइसम सेटाइवम। इसमें जो पिच्छाकार संयुक्त पत्ती के कुछ ऊपरी जो पर्णक होते हैं वही प्रतान के रूप में बदल जाते हैं। फिर से मटर में क्या होता है, जो ऊपर के कुछ पर्णक या पत्रक होते हैं जिसे लीफलेट बोलते हैं, वही क्या होते हैं, प्रतान के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। जंगली मटर जिसे लेथारस बोलते हैं, इसमें पूरी की पूरी पत्ती प्रतान में बदल जाती है। जबकि क्लीमेटिस अनेपेंथीज में पूरा पर्णवृंथ ही प्रतान में बदल जाता है, जबकि ग्लोरियोसा में पर्ण शीर्ष जो है वो प्रतान में बदल जाती है। अब दूसरा देखते हैं पर्णशूल के रूप में, लीफ स्पाइन। यह व्यवस्था किस काम आती है? पशुओं से सुरक्षा करना और प्रकाश संश्लेषण की दर कम करने के लिए उनका रूपांतरण हो जाता है। ऐसी व्यवस्था नागफनी में पाई जाती है, कैक्टस में चाय पाई जाती है और बेर में पाई जाती है। तीसरा है रूपांतरण पर्ण हुक के रूप में, लीफ हुक। यह ऊपर चढ़ने में मदद करती है। ऐसी व्यवस्था बिगनोनिया में पाई जाती है। चौथा भोजन संचय करने में, इसमें जो मांसल पत्तियां होती हैं वही भोजन का संचय करती, जैसे प्याज और लहसुन में। और कीटों को पकड़ने के लिए कुछ पत्तियां मॉडिफाइड हो जाती हैं, जैसे कि निपेंथीज घर पाने का पादप है। बच्चों, हमने इस तरह पत्ती के बारे में पढ़ा। नमस्कार, धन्यवाद।